अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं टेक तैयब ऑफिशियल। आज हमारी वीडियो एडिटिंग की दूसरी क्लास है, तो इस क्लास के अंदर हम बेसिकली तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें आज सीखने वाले हैं। नंबर एक, तो आप तस्वीरों से किस तरह एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको क्लिप ग्राफिक्स का यूज़ सिखाया जाएगा, किस तरह आप क्लिप ग्राफिक्स को यूज़ करके प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर पेन एंड जूम का बताया जाएगा। ये तीन अहम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो तरीके हैं वीडियो में यूज़ होते हैं, आज मैं आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूँ सब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चंद तस्वीरें ऐड कर लेनी है मीडिया के थ्रू, जो मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो ये तस्वीरें ऐड हो गई हैं, अब ये एक तस्वीरों की सूरत में हमारे पास वीडियो बन गई है। ये तो सिंपल तस्वीरें ऐड हो गई, अब इसको मज़ीद प्रोफेशनल लुकिंग देने के लिए हमने क्लिप ग्राफिक्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास जो हमने क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड किए हुए हैं तो वो हमारे पास शो हो रहे हैं, ये देखें। अब इसको अप्लाई करने से ये इस तरह हमारे पास शो होगा। दूसरा यूज़ करते हैं, तो हमने वो क्लिप ग्राफिक्स यूज़ किया तो इस तरह हमारे पास वीडियो की लुकिंग गई है। तो जितने हमारे पास क्लिप ग्राफिक्स पड़े हुए हैं हम उनको यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम वीडियो को एक बेहतरीन लुकिंग दे सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर अब क्लिप ग्राफिक्स लगा देता हूँ जो मेरे पास पड़े हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं मैंने। आपको भी बताऊँगा इनको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद क्लिप ग्राफिक्स हमने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं, अब देखते हैं वीडियो को। अब देखते हैं कि ये हमारी जो तस्वीरें हमने ऐड की हुई थी वो किस तरह हमें दिखाई देती हैं। ये देखें, ये तस्वीर हमारे पास इस तरह अब शो हो रही है वीडियो की सूरत में। क्लिप ग्राफिक्स का यूज़ करके हम उसको इस तरह बना सकते हैं, और इसके नीचे हम कोई अपना वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह, कोई म्यूज़िक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपने अपना वॉइस ओवर ऐड करना है तो यहाँ पर जाएंगे, आप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अगर कोई सॉन्ग वगैरह या ऑडियो लगानी है तो वो आप यहाँ पर जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास सॉन्ग्स पड़े होंगे, जो आपके मतलब डेटा पड़ा होगा वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ इसके नीचे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे क्लिप ग्राफिक्स हैं, आप इनको कैसे इंस्टॉल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको मैं ये पेन एंड जूम बता दूँ, ठीक है। ये पेन एंड जूम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पेन एंड जूम का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो फिर एक तस्वीर को आपने इस तरह ऐसे जूम कर लेना है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी तस्वीर पर आपने क्लिक करना है, फिर पेन एंड जूम में जाना है, फिर इसको नीचे सेलेक्ट करके इस तरह इसको आपने पेन ज़ूम कर लेना है, तो फिर तस्वीर की जो लुकिंग होगी वो इस तरह आएगी, ये देखिए। तो फिर जो तस्वीर की लुकिंग होगी ना वीडियो की सूरत में आएगी, ये देखें इस तरह आएगी पेन एंड जूम का यूज़ करके। ये देखें, ये पेन एंड जूम का यूज़ हमने किया तो इस तरह हमारे पास ये देखें लुकिंग आ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टोर में, तो स्टोर में चलते हैं कि आप किस तरह वो जो हम ट्रांजिशन इफेक्ट पहले लगाए थे, क्लिप ग्राफिक्स यूज़ किए थे, तो वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ स्टोर में जाएंगे आप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ले आएगा। इस यहाँ पर बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें क्लिप ग्राफिक्स हमारे पास अब आ गए हैं, तो किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। आपके पास डाउनलोड नहीं होगा तो यहां पर लिखा हुआ होगा डाउनलोड, जब डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पर इंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपने कोई भी क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये डाउनलोड ना हुआ तो, अगर मेरे पास डाउनलोड हुआ तो यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। अब मैंने इसको डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, जिस तरह ये देखें हो गया। फिर इसको आप अपनी गैलरी में जाकर, हम बैक चलते हैं, तो फिर आपने इस तरह उनको यूज़ करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। ये जो अभी हमने डाउनलोड किया था वही था, अब इसको लगाने से ये इस तरह लुकिंग आ रही है, ठीक है। ये देखें, एक को अप्लाई करने से इस तरह लुकिंग आ रही है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।